नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पे। और आज हम क्लास नाइन्थ की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगला चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों अभी आपको एक मीम दिख रहा होगा, ये एक इंस्टाग्राम से मैंने लिया था, बहुत ही शानदार। द रोड नॉट टेकन हमने पढ़ा ना, ये अलग तरह का दो रोड नॉट टेकन है भाई। बच्चा जा रहा है, माँ बाप जा रहे हैं, दो रास्ते थे, आई टुक द अदर, बच्चे ने अलग लिया, एंड दैट मेड द डिफरेंस, और वो खो गया। वो लगता ना गुमशुदा की तलाश, बच्चा गायब है। तो ये कुछ वैसी ही कहानी अभी आप पढ़ने वाले हो। तो होता क्या है कि एक है ना गांव में स्प्रिंग का मेला लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आपके शहर में भी मेला होता होगा, आपके गाँव में, अगर आप गाँव के हो तो भाई चकास। इंडियन हमारे राइटर हैं, तो जो टिपिकल गाँव की ज़िंदगी होती है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। हालाँकि मैं कुछ शहर का हूँ, गांव की ज़िंदगी मैंने जी नहीं है, पर जितना मैंने देखा है उतना मैं आपको बताऊं। स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग का मौसम होता है जब एक सुहाना सा मौसम, सर्दी जा चुकी है, ठीक है, सर्दी जा चुकी है और गर्मी पूरी तरह से नहीं आई है। मतलब ये वो मौसम है जो पंखे वाला है, ठीक है जी। पंखे ना, कूलर की ज़रूरत पड़ रही है ना, पसीने से हालत ख़राब हो रही है कि कूलर एसी चाहिए ना, इतनी सर्दी है, एकदम शानदार सा मौसम होता है ना, एकदम आसमान साफ, फूल फूल खिले हुए हैं, गुड़ेल के, गुलाब के, मोगरे के, गुलमोहर के, फूल ही फूल हैं, क्या मौसम है, पतंग उड़ रही है, आए हाय, वो जो सुहाना सा मौसम है। वहाँ भाई साहब गांव में लगाया है मेला, इसको मैं अपना गांव मान के चलूँगा, है नहीं मेरा कोई गांव, मैं अपना गांव मान के चलूँगा। तो मैं कह रहा हूँ इस बच्चे के, यानी मेरे गाँव में मान लो आप, मेला भरा हुआ है। तो होता क्या है, सब लोग जा रहे हैं एक मेले की तरफ। तो जैसा आपने देखा है ना मेला कैसे होता है, हमारा शहर है ग्वालियर, यहाँ पे भी जब मेला होता है तो हर तरफ से लोग आते हैं। जैसे ये मेला है ग्वालियर में, तो हमारा जो मेरा शहर है वहाँ के लोग जाते हैं, फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के जो रोड हैं वहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ पे रोड है, ध्यान रखना, गांव में क्या होता है, गांव में ये रोड नहीं होते, गांव में होती है ये पगडंडियाँ, यानी नैरो पाथ, आप कह सकते हो नैरो पाथ। तो गांव में होती है पगडंडियाँ, मतलब बहुत सारे खेत होंगे, खेतों के बीच में जो रास्ता है चौड़ा पतला, उस पगडंडियों से जाते हैं, और अलग अलग छोटे छोटे रास्ते एक बड़े से मैदान में मिल रहे होते हैं। ऐसा ही हुआ था, गलियों से जो लोग हैं वो एकदम खुशी से तैयार होकर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई बांस की बनी हुई एक गाड़ी में जा रहा है, और इसी लोगों में, इन्हीं मुसाफिरों में है तीन लोग। तीन लोग कौन, पति पत्नी और वो मतलब उनका बच्चा। तो एक ये मासूम सा बच्चा, ये हैं हमारे अंकल जी, ये हैं इनकी मॉम, यानी इनकी मॉम यानी आंटी जी। तो ये हैं हमारे अंकल, ये हमारी आंटी जी, ठीक है जी, ये हमारी आंटी जी, ये हैं हमारे अंकल जी, और ये है हमारा हीरो, इनका बच्चा, ठीक है जी, ये है हमारा हीरो, इनका बच्चा मासूम सा, और ये भी इस भीड़ में है। भीड़ में नहीं, अभी तो जा रहे, मेले पहुँचे नहीं है, ध्यान रखना, अभी ये निकल रहे हैं। निकलते ही शुरुआत होती है खिलौनों की दुकान से। खिलौनों की दुकान ये आकर्षित होता है, तो आपने देखा होगा, आप अगर मेले में गए हो तो पिताजी क्या बोलते हैं, अरे अब यहाँ मांग रहा है, मेले में अलग मांगेगा, चल आगे दिलाऊंगा, आगे अच्छे मिलेंगे। देखा है आपने, रियलिटी ये कि यार ये लोग इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये उतना होता ना कि खाली घूमने जाते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं मॉल में, सिर्फ घूमने जाते हैं मॉल में, खरीदना कुछ नहीं होता, पार्किंग के भी पैसे नहीं होते, तो जुगाड़ की पार्किंग करके मॉल में होके आ जाते हैं एंजॉय करके, ये वैसे ही है। तो कुछ बजट है नहीं अच्छा खासा, सिर्फ बच्चे का दिल है तो घुमाने जा रहे हैं, तो खिलौने नहीं दिला पाते। तो बच्चे की आंखें अभी भी खिलौने पे ही हैं, और वो ऐसे साथ में जा रहा है, माँ बाप बुलाते, जैसे शहरों में बुलाते ना, कम माय बॉय, वहाँ पे ऐसे बुलाते हैं, इधर आ, ए मोड़ा, चलो चलो चलो, ऐसा कुछ गाँव में बुलाते हैं, शहरों में तो हम कम माय बॉय कर रहे होते हैं। जैसा भी बुलाया हो, माँ बाप बुला के ले जाते हैं, ठीक है जी। पिताजी अपने एकदम जो कठोर अंदाज है, उस कठोर अंदाज में इसको ले जाते हैं, माँ वही प्यार से उसको ले जाती है। तो होता है देखो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और पिता के पैरों के नीचे चप्पल जो पड़ती रहती है बच्चों को, तो वैसा ही है, पापा स्ट्रिक्ट है, मम्मी नरम है, दोनों आगे ले जाते हैं। तो माँ बहुत ही प्यार से बच्चे का दिल बहलाने के लिए करती है, अरे बेटा वो देखो, वो देखो, वो देखो, क्या है वो, तो वो होते हैं खेत, आहा सरसों से भरे हलियान मेरे। तो वैसा ही कुछ है एकदम, आहा क्या खेत है भाई, ऐसा लगता है कि किसी ने सोना पिघला के हरे हरे पत्तियों पे छिड़क दिया हो, क्या मज़ा आ गया, क्या पीले पीले फूल, आहा। तो पीले पीले फूल, उसमें उड़ती हुई ड्रैगन फ्लाई, कहीं पे काला जो मधुमक्खी होती है वो उड़ती हुई भृंग बोलते हैं इसको, ततैया, काली मधुमक्खी, ठीक है जी,
भंवरा ऐसे जो इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं तो उनको पकड़ने का मन होता है, तो बच्चा क्या करता है उनको पकड़ने में लग जाता है, वो ऐसे ठहरता है, वो नजरें कर रहा होता है, फ्लाई गया 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 गया, मच्छर जैसे ठहरा गया और पकड़ लिया, और मच्छर को ऐसे पकड़ने की वजह क्या होता है, मच्छर उड़ जाता है। ये सब खेल चल रहा है अपना, इतने में बिजी हो गया, माँ की आवाज़ आती है, बेटा आ जाओ भाई, कम बॉय बॉय, इस टाइप से जो भी उन्होंने बुलाया हो बुला लेते हैं। अब माँ बाप कहाँ बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं एक ग्रोव में। ग्रोव क्या होता है, ग्रोव होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, और इतना खूबसूरत है, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा आपका मन हो जाएगा जाने का, जहाँ फूलों के पेड़ हैं बड़े बड़े। जैसे ही आप जाते हो, ये बच्चा जाता है, तो फूलों की बारिश होने लगती है, क्योंकि फूल गिर रहे हैं, सीज़न है भाई फूलों का सीज़न, तो ऐसा लगता है कि फूलों की बारिश हो रही हो, वो बिज़ी हो जाता है वहाँ पे, तुरंत फूल उठा लेता है, ऐसे करके फूल उठाया उठाया ऐसे कलेक्ट कर लेता है, फूल बहुत सारे फूल 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 लगा हुआ है। माँ बाप आराम से कुएं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा एक यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे पेड़ हैं, ये ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, उधर ही एक ऐसा है कुआ, ठीक है जी, ये कुआ है आप कह सकते हो, ड्राइंग बड़ी खास है मेरी, कुएं पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही मान लो आप दो लोग बैठे हुए हैं, और ये बच्चा कहीं खोया हुआ है फूल बटोरने में। फिर एक डव, एक पक्षी होता है सफ़ेद कबूतर, तो उसको आवाज़ आती है, वो फूल को छोड़ देता है, डव को ढूंढता है, डव 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 ऐसे करते 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 खेल रहा है। फिर माँ बाप कह रहे हैं चल, अब माँ बाप उसको उठाते हैं और एक पतले से रास्ते से लेके जा रहे हैं। ये बच्चा देख के हैरान है कि यार ये जो पतला सा रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूँ, ऐसे ही कितने सारे रास्ते एक ही तरफ लेके जा रहे हैं, ये पतले रास्ते तक पहुँच गए। तो ये धीरे धीरे मैंने आपको उसका रास्ता डिस्क्राइब किया और ये रास्ता यहाँ जा रहा है इस मेले में, तो ऐसे ही इतने सारे रास्ते घूमते हुए एक मेले पे जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक वर्लपूल हो, वर्लपूल आपने नहीं देखा, मैं समझाता हूँ, आपने कभी देखा कहीं पानी भरा हुआ हो बारिश में, सिंक में घर पे जहाँ बर्तन धुलते हैं, या कहीं पे पानी जमा हो और आप अचानक से जो आउटलेट है, हिंदी में मोरी बोलते हैं, इंग्लिश में आउटलेट बोलते हैं, उसको अगर आप साफ़ करो तो सारा जो पानी जमा है वो एक साथ घूमते हुए जा रहा होता है, आप सबने देखा उसको वर्लपूल बोलते हैं। वॉशिंग मशीन अगर आपने देखी हो कपड़े धुलते हुए घूम रहा होता है, तो वैसा ही फील हो रहा है, इतने सारे गोल गोल रास्ते एक तरफ इस मेले की तरफ जिसमें हम भी चल लिए, हम तीनों चल लिए, ठीक है, मतलब बच्चा माँ बाप ये तीनों वहाँ पे चल रहे हैं। शुरुआत मेले में सबसे पहली दुकान दिखती है मिठाइयों की, मिठाई वाला है वो चिल्ला रहा है गुलाब जामुन गरम गरम, गुलाब जामुन गरम गरम, गुलाब जामुन आहा क्या खुशबू, तो बच्चे की बच्चे को खुशबू आती है, अरे गुलाब जामुन खाएंगे, फिर बर्फ़ी पे नज़र पड़ती है, बर्फ़ी अपनी फेवरेट है, तो मुँह में पानी आने लगता है, पर उसको पता था कि अफोर्ड नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं पता था अफोर्ड नहीं हो सकता, बट नहीं दिलाएंगे माँ बाप, तो माँ बाप नहीं दिलाते, चलो 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 बेटा बहुत तुम लालची हो, उसको उसने बोला ही नहीं, उसको पता था माँ बाप बोलेंगे लालची है। फिर गुब्बारे वाला, एक गुब्बारे वाला होता है, उसके हाथ में डंडा है, बड़े बड़े गुब्बारे हैं, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे, पर वो कहता है नहीं माँ बाप को बोलूँगा, माँ बाप बोलेंगे तू तो बहुत बड़ा है गुब्बारे के लिए, नहीं वो भी नहीं मिलते। फिर और आगे बढ़ता है, गुब्बारे तक हो गया, फिर एक आता है स्नेक चार्मर बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं सपेरा, उसको देखने का मज़ा कि यार क्या बात है, मतलब क्या सांप ऐसे गोल गोल हो जाता है, कैसे सांप ऐसे उड़ता है लहराता है, आहा मज़ा आ जाए। पर आसपास गया तो माँ बाप फिर बुला लेते हैं, उसको पता है माँ बाप फिर बोलेंगे ये आवाज़ तुमको नहीं सुननी चाहिए, कुल मिला के ये जो भी करना चाहता है माँ बाप वो करने नहीं देते। फिर भाई फूल वाला, अब हमारे यहाँ होता है ना कि प्लास्टिक की बंदूक ले ली, ये ले लिया वो ले लिया, इनके यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है गुलमोहर के फूल, माला खरीदने का शौक होता है, माला पहनेंगे मज़ा आएगा, जैसे हमारे यहाँ होता है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी गांव में भी होती है, ऐसी बात नहीं कि न हो, बच्चों के लिए माला एक फैसिनेटिंग चीज़ थी, इसका मन होता है हाँ क्या खुशबू है गुलमोहर के फूल मुझे दिला दो, माँ बाप को नहीं बोलता, पर माँ बाप बोलेंगे नहीं सस्ते हैं ये, सस्ती चीज़ नहीं देंगे, महंगी चीज़ दिलाएंगे, वो ये भी नहीं बोलता। फाइनली एक नज़र पड़ती है झूले पे, आपने देखा है वो झूला एक होता है जिसमें बैठते हैं और एकदम बहुत ज़ोर से झूला झूल रहा होता है, ऐसे गोल ऐसे यूँ गोल 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 गोल, तो वैसा ही मन होने लगता है। अभी वहाँ गया, देखता है अरे बाप रे इतने सारे लोग, इतना बड़ा ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, माँ बाप मुझे भी जाना है, मम्मी मुझे भी जाना है, वो ऐसे देखते जा रहे हैं, मम्मी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, पापा मुझे भी जाना है, और आवाज़ क्यों नहीं आ रही माँ बाप की, ऐसा रिएक्शन, दिमाग ख़राब, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आवाज़ पीछे देखा भाई साहब माँ बाप नहीं है,
दिमाग खराब, अब दिमाग खराब चिल्लाने लगता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अभी तक उसकी पीले कलर की टर्बन थी, चमकते हुए कपड़े थे, वो दिमाग खराब इधर उधर भाग रहा है, लोगों से टकरा रहा है, पीली जो टर्बन है वो उतर गई, कपड़े मैले होना शुरू हो गए, अब इसको तो पता नहीं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। ये चला गया मंदिर की साइड, भाई साहब मंदिर में है भीड़, हमारा हिंदुस्तान तो है ही धार्मिक नहीं है, तो मंदिर में और ज़्यादा भीड़, तो इतनी भीड़ इतनी भीड़। अगर आप कभी भीड़ वाले मंदिर गए हो, शिवरात्रि पे आप कभी चले जाओ उज्जैन, मथुरा चले जाओ आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो आपको एहसास होगा क्या भीड़ होती है। भाई साहब आप नहीं चल रहे होते हो, भीड़ आपको चला रही होती है। आप लोकल ट्रेन में चले जाओ मुंबई की, आप नहीं चलते हो, भीड़ आपको चलाती है, भीड़ आपको उतार देती है। वही हाल है ये मासूम सा बच्चा, इतने बड़े बड़े पैर, ठीक है उनके नीचे लिटरली रौंद जा रहा है समझ, उतने बड़े बड़े पैर है, ये जरा सा ये लोगों के पैर के बराबर आ रहा है, तो बेचारा दबता 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 बेचारा चल रहा है, रोने लग जा रहा है जोर जोर से, बहुत रोते जा रहा है, रोते जा रहे हैं, आंसू आते जा रहे हैं, कपड़े बिखर गए हैं। और एक आदमी, एक भला आदमी मेरे जैसा तो उसकी नज़र पड़ जाती है, वो उसको उठा लेता है बच्चे को, अरे बेटा क्या हुआ। तो वैसे भीड़ में करते 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 साइड में ले आता है, अरे बेटा क्या हुआ। अब इसको दिलासा मिला, चुप नहीं हो रहा ये, और रो रहा है, पापा चाहिए मम्मी चाहिए पापा चाहिए मम्मी चाहिए। वो कहता है अरे चुप करवाऊँ चुप करवाऊँ। अब आप ध्यान से देखना, जो जो चीज़ अभी अभी छूटी है एक एक चीज़ ऑफर होगी। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा सोचता है क्या करवाऊँ, भला आदमी है बहुत भला मानुस है, तो अभी अभी क्या मिस हुआ था सोचो, झूला। तो वो झूले पे लेके जाता है, अरे देख 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 ये झूला हूँ देखो वो, अब ध्यान ही नहीं है, अब तक झूला चाहिए था अब झूला नहीं चाहिए। फिर वो वापस जहाँ झूले से पहले क्या मिला था, गुब्बारे, फिर गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है, वो भी नहीं चाहिए वो भी ये नहीं लेता। फिर माला देता है इसको, अरे देखो देख तेरे गले में माला डाल, वो आदमी अमीर था, माला डाल देता हूँ देख खुशबू मज़ा आएगा। वो कहता नहीं मम्मी चाहिए पापा चाहिए मम्मी चाहिए पापा चाहिए। फिर फाइनली वो मिठाई वाले के पास ले जाता है, यानी जो जो ये मांग रहा था माँ बाप के साथ और ये अफसोस कर रहा था कि मुझे दिला नहीं पा रहे मेरे माँ बाप, अब एक दूसरा व्यक्ति वो सब कुछ दिला रहा है और इसको ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका रोना चुप नहीं हो रहा, और ये एक ही बात कहते हुए चैप्टर एंड हो जाता है। आई वॉन्ट माई फादर आई वॉन्ट माई मदर, क्यों क्या सिखा रहे हैं आखिर मुल्क राज आनंद, वो यही सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कई बार हम उन चीज़ों का अफसोस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर इस अफसोस के चक्कर में हम उन चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाते, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाते हमारे जो हमारे पास है। अगर आपके पास ज़िंदगी है, सर पे छत है, जूते भले 2000 रुपये वाले ना हो 4000 रुपये वाले ना हो, लेकिन पैर हैं माँ बाप हैं, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हो। जैसे ये बच्चा था, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं, इसके माँ बाप खो चुके हैं, ये खो चुका है, और चैप्टर के लास्ट में हमें पता नहीं है वापस मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है जी। सो दिस वॉज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। अगर आप क्लास 9th में हो तो हमारी ऑल सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस है जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलता है हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी। मैं इंग्लिश और सोशल पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैथ्स साइंस के आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलते हैं, आपको वीकली असाइनमेंट्स और टेस्ट भी मिलते हैं। अपना डेमो बुक करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।